सो गाइस, आज अपन बात करेंगे एलसीएम के बारे में। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइस प्लीज आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को भी दबा दे ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिल सके जैसे ही मैं अगली वीडियो को अपलोड करूँ। सो गाइस, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एलसीएम। सो एलसीएम क्या होती है? एलसीएम को अपन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं, ठीक है। सो एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो एलसीएम निकालने के हमारे पास दो मेथड है। पहला लैडर मेथड, जिसको हम केक मेथड भी कहते हैं, और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सो मैं आप लोगों को दोनों मेथड बताऊंगा। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, कोई नहीं, आपको समझना है ना, पढ़ाई करनी है तो लंबी हो तो क्या दिक्कत। चलो तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लैडर मेथड के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एलसीएम यूसिंग लैडर मेथड, इसको अपन केक मेथड भी कहते हैं, ठीक है। कई जगह केक मेथड भी बोला जाता है, दोनों नाम जान लो, ठीक है। सो चलो क्वेश्चन से हम समझते हैं कि आखिर है क्या ये एलसीएम। ऑलराइट, सो लेट्स से पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। आपको दिया गया हो फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ लेट्स से 2, 4 एंड 12, ये आपकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? चलो सॉल्यूशन हम अपन देखते हैं, ठीक है। सो जो भी नंबर आपके पास गिवन हो, यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर गिवन है, सो आप उसको ऐसे करके कॉमा करके जैसा दिया गया वैसे ही लिखो, ठीक है। लैडर, लैडर का मतलब क्या होता है? सीढ़ी। तो सीढ़ी तो आपको पता ही है ना कैसा बनता है, सीढ़ी ऐसा ही तो होता है हा? तो यही बनाना है और कुछ नहीं करना है, तो बनाओ यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप लगी खींच देना। अब देखो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड हम किस नंबर से करें, 2, 4 और 12 को? तो 1 से करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है, डिवाइड करो तो वही है, क्या फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टार्ट हम करते हैं 2 से। अब कंडीशन ये है कि देखना है एटलीस्ट मिनिमम 2 नंबर डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2, 4, 12 ना होके होता 2, 3, 17, ठीक है। तो इसमें कोई 2 नंबर ऐसा नहीं है कि 2 से डिविजिबल हो या 3 से कोई डिविजिबल हो। तो इस केस में हम मैं बताऊंगा, इस ये थोड़ा अलग केस है, इसको मैं बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो एटलीस्ट मिनिमम 2 नंबर होना चाहिए, तभी मैं क्या करेंगे अपन कि डिवाइड करेंगे उस नंबर से। तो यहाँ पे अगर अपन 2 से डिवाइड करते हैं, हम पहले चेक कर लेंगे क्या एटलीस्ट 2 नंबर डिविजिबल है 2 से। तो यहाँ तो तीनों नंबर है तो मिनिमम 2 होना चाहिए। सो 2 को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। यहाँ पे क्या आएगा, 2, और यहाँ पे क्या आएगा, 6, ठीक। नाउ अब वापस हमें डिवाइड करना है, सो किस नंबर से करें बताओ, 1 से तो करना नहीं, फिर से करें क्या, फिर से करके क्या फायदा, सिर्फ 6 डिविजिबल होगा 2, तो ऐसे एज इट इज रह जाएगा। सो 2 से करेंगे, ठीक है। 2 से अगर आप करोगे तो 1 से डिवाइड करोगे तो वही एज इट इज रहेगा, 2 को करोगे तो रिमाइंडर आएगा क्या, 1, 6 का क्या आएगा, 3। नाउ अब देखो, अब जब ही मैं आपको पहले ही बोला था मिनिमम 2 नंबर होना चाहिए तभी हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 तो छोड़ो, 1 को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 1 का आप मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो वही आएगा। उसके अलावा 1 के अलावा देखो 3 है, इकलौता 3 है, तो हम किसी से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है ना, हम 3 से करेंगे ना 2 से, 2 से तो होता ही नहीं है, हमें 3 से भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा, तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये स्टेज हो चुका है एंड स्टेज, ठीक है। यहाँ पे हम छोड़ देंगे अपने जो सीढ़ी बनाने का काम। अब आप क्या करो, टॉप टू बॉटम, ठीक है, जितने भी ये सारे नंबर्स हैं आप उनको एक एक करके लिखो, ठीक है। क्या क्या नंबर्स है आपके, 2 है, 2 है,
वन है और थ्री है, यही है ना। अब आपको करना क्या है, इनका आपको मल्टीप्लीकेशन निकालना है। सो टू इंटू टू, वन को मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि कोई मतलब नहीं है, इंटू थ्री तो कितना हुआ, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व। सो टू फोर ट्वेल्व का एलसीएम होगा 12। समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो अब हम बात करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा बाद में, अभी लैडर मेथड ही हम लोग पढ़ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है, तो करना क्या है, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं नोट डाउन करूँगा, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ मान लो आपको अगर कुछ नंबर दिया हुआ हो, ठीक है, लेट्स से 2, 3, 18, 22, यार कुछ भी रैंडमली ले लो, या कुछ भी मान लो 33 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, बी नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो अब आप बताओ, वन से छोड़ो, टू से स्टार्ट करते हैं अपन। दो नंबर क्या, ऐसा कोई भी दो नंबर डिविजिबल है टू से? देखो टू हो रहा है, ठीक है, 18 हो रहा है, 22 हो रहा है, हमें तीन नंबर मिल गया, तो ठीक है हम टू से डिवाइड करेंगे। तो रिमाइंडर क्या आएगा, वन, थ्री, तो डिविजिबल नहीं है टू से, जो डिविजिबल नहीं होता है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, तो थ्री का थ्री ही लिखेंगे, ठीक है। 18 डिविजिबल है कितने से, नाइन से, सो नाइन लिखेंगे। 22 डिविजिबल है कितने से, 11 से, ठीक है। एंड देन 33 डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो 33 को 33 ही लिखेंगे। जो नंबर डिविजिबल नहीं होता है हम उसको एज इट इज ही लिख देते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब वापस चेक करो, टू से कोई डिविजिबल है क्या, थ्री डिविजिबल है क्या टू से, नहीं, नाइन है, नहीं, 11, 33 कोई भी नहीं है टू से डिविजिबल, तो हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे, थ्री से हम अपन चेक करेंगे। सो थ्री से चेक कर लो, थ्री से ये डिविजिबल है, ये भी है, ये नहीं है, ये है, ओके, तीन नंबर हमें मिल गए, हमें दो चाहिए था, तीन मिल गए, वाह। सो थ्री से अपन चेक करेंगे, तो वन एज इट इज रहेगा, थ्री को थ्री से डिवाइड करोगे, वन बार में कैंसिल होगा, थ्री थ्री जा नाइन, 11 तो डिविजिबल नहीं है इसलिए हम ऐसे ही लिख देंगे, 33 कितने बार में, 11 टाइम्स, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था क्योंकि 3 इकलौता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 11 टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, और मैंने कहा था मिनिमम अगर दो मिल जाए तो हम करेंगे, चाहो तो नहीं भी कर सकते पर करना पड़ेगा, यहाँ पे दो मिल गए ना हमें। सो 1 को एज इट इज लिख दो, ठीक है, और 3 तो डिविजिबल होने से रहा 11 से, तो नहीं होगा ना, तो 3 को एज इट इज, जो डिविजिबल नहीं होता उसको एज इट इज हम लिख देते हैं। नाउ 11, 11 को आप 1 से ही डिविजिबल होगा ना, क्वेश्चन कितना आता है, 1 ही तो आता है, इसका भी 1। अब देखो ये सारे नीचे 1 हो चुके हैं, एक लौता 3 है, तो 3 से हम करेंगे नहीं, तो अब ये वाला प्रोसेस मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, 2 × 3 × 11 × 1 नहीं लिखना, 1 नहीं लिखना, 3 लिखना है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 2 × 3 = 6, 6 × 11 66, 66 × 3 हाउ मच, 198, राइट, या 198। सो एलसीएम ऑफ 2, 3, 18 एंड 33 इज 198, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। सो ये मैं 3 डिजिट का भी बता दिया, 4, 5, 6 अप टू, आप जितना भी डिजिट का हो आप सारे डिजिट को एक साथ लिख देना और फिर उसका आप एलसीएम निकालना, बहुत आसान है। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कुछ भी ले लेते हैं यार रैंडमली, दो क्वेश्चन ए बी हो गए, अब सी देखते हैं, लेट्स से 6, 7, और वन सेकेंड मैं एक काम करता हूँ, तीसरा क्वेश्चन का मैं सेकेंड मेथड भी बता दूंगा, इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ।
चलो तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। चल लिख देता हूँ, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 6, 7 एंड 21। ओके सो आप लिखो 6, 7, 21। ठीक है, सीढ़ी बनाओ। अब बताओ टू से अपन चेक करें क्या, क्या दो नंबर डिविजिबल है? कोई भी दो नंबर, सिक्स तो है पर सेवन नहीं है, 21 नहीं है, इसलिए हम टू से डिवाइड नहीं करेंगे। थ्री देखो, हाँ सिक्स है एंड या 21 है, सो हम थ्री से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? कोई भी डाउट हो यार आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो यार, एनी टाइम। ठीक है, सो या तो कितने बार में, टू टाइम्स। सेवन डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो सेवन को एज इट इज लिख दो। 21 है, हाँ है, कितने टाइम्स? सेवन टाइम्स। ओके ना, सात दो बार है, सेवन टू टाइम्स यहाँ रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम सेवन से डिवाइड करते हैं, क्योंकि और किसी से तो डिविजिबल होगा नहीं, वन से नहीं होगा, टू से नहीं होगा, थ्री से नहीं होगा, आप लोगों को भी पता है, तो डायरेक्ट हम सेवन पे ही चलते हैं ना। ठीक है, तो डिविजिबल होगा नहीं इसलिए हम एज इट इज लिखेंगे सेवन। सेवन को सेवन से डिवाइड करो, कितने टाइम्स में कटेगा? वन टाइम्स, ये वन टाइम्स हो गया, दैट्स इट। दो वन है, एक रहता टू है, छोड़ो। टॉप टू डाउन आओ, कितना होगा? 3 × 7 × 2, हाउ मच? 7 × 3 = 21, 21 × 2 = हाउ मच? 42। ठीक है, सो ये थी आपकी एलसीएम ऑफ 6, 7 एंड 21, आंसर आपकी 42 है। ठीक है, नाउ विल लुक इनटू सेकंड मेथड, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन का मैं चीज भूल गया, चलेंगे उस पर। वो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोला था कि थोड़ा एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है, देखो दूसरा केस क्या हो, मैं पहले वो बता देता हूँ फिर आप लोगों को सेकंड मेथड बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन मान लो आप लोगों को अगर दिया गया हो 2, 3, 5, इस केस में आप किससे डिवाइड करोगे? देखो 2 से तो आप डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि दूसरा नंबर आपको मिल नहीं रहा है, मिनिमम दो नंबर की जरूरत होती है ना। थ्री से अगर चेक करो आप, थ्री से भी कोई नहीं मिल रहा, थ्री से बस थ्री मिल रहा है और दो और कोई नहीं मिल रहा। फोर से तो कोई भी डिविजिबल नहीं है, फाइव से अगर चेक करेंगे तो फाइव से सिर्फ फाइव इकलौता डिविजिबल है। तो ऐसे केसेस में हम किसी भी नंबर से इनको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जनरली लोग बस इन सब के बारे में बता के छोड़ देते हैं, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं डिस्कस करता, तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी से तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, सारे नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और वही हो जाएगा आपका एलसीएम का आंसर। तो कितना होगा 3 × 2 कितना होगा? 6, 6, 5 = 30। सो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5 = 30। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया, मतलब अगर नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा है कोई भी दो नंबर, तो सिंपली आप क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, उसी तरह अगर दो ही नंबर होता है, यहाँ तीन नंबर मैंने दिया है, चार नंबर होता तो आप चारों को मल्टीप्लाई करते। अगर दो नंबर होता है, सिर्फ 2, 3 का बोला जाए एलसीएम निकालने को, तो क्या निकलेगा? 2 × 3 = 6, एलसीएम होगा 6। उसी तरह जितने भी नंबर हो आप देख लेना। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, सेकेंड मेथड पे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सो एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ये हमारा टू है। दो मेथड है, पहला बताया आपको लैडर या फिर केक मेथड, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो सेम क्वेश्चन को अपन देखते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन 6, 7, 21 को ही लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है सेकंड मेथड में, यूजिंग दिस मेथड, अभी आप इसको भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपको गिवन है आप लिख लो 6, 7 एंड 21, आप इनके फैक्टर्स निकालो। ठीक है, फैक्टर्स नहीं निकालना है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, तो 6 का मल्टीप्लीकेशन, 6 का टेबल याद है ना? चलो तो बोलो 6 का टेबल बस लिख दो यार, कुछ नहीं करना है, 6 का टेबल।
अप टू कितना तक, ये मैटर करता है अप टू कितना तक। तो मिनिमम आप 7 या 8 टाइम्स तक लिखो, ठीक है, उससे ज़्यादा मत लिखो, फिर हम चेक कर लेंगे कि क्या होता है। तो मैं 6 7 टाइम्स तक लिख देता हूँ, ठीक है, 6 का टेबल, 7 का टेबल भी उतना ही तक लिख देता हूँ, 7 3 21 जो भी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 21 का भी सिमिलरली मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसके बाद अपन चेक कर लेंगे। देखो ये मैंने मल्टीप्लीकेशन सबका लिख दिया, आपको सबका मल्टीप्लाई मल्टी टेबल लिखना है सबका, ठीक है, सारे नंबर्स का जो जो नंबर आपके गिवन है। सो आपने टेबल लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो टॉपिक क्या है, LCM, फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब समझ रहे हो इसका मतलब क्या होता है, लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, हाँ, और कॉमन का मतलब कॉमन जो सब में आता हो, और मल्टीपल ये सारे मल्टीपल्स ही हैं, टेबल्स जो मैं कह रहा था ये सारे 6 के मल्टीपल्स ही तो हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है इसमें से, ये सारे मल्टीपल्स हैं, इसमें से हमें कॉमन फाइंड आउट करना है, और वो भी सबसे लिस्ट होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। तीनों में से पहले तो कॉमन फाइंड आउट करो, ठीक है, तीनों में से कॉमन क्या क्या है, 6 चेक करते हैं, 6 क्या, 6 तो इसमें है, इसमें है क्या, नहीं, इसमें है क्या, नहीं, ओके। 12 को चेक करते हैं, 12 इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है। 18 को चेक करो, 18 7 के मल्टीपल्स में है क्या, 18 नहीं है। 21 के मल्टीपल्स में है क्या, 18 नहीं है। 24 को चेक करो, 24 को अगर आप चेक करोगे तो 24 इसमें है क्या, नहीं है। 21 के मल्टीपल्स में है क्या, नहीं है। 30 को चेक करो, 30 है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है। 36 चेक करो, इसमें है, नहीं है। 42 चेक करो, 42 इसमें है क्या, हाँ है। 42 इसमें है क्या, 42 हाँ है। सो 42 कॉमन है तीनों में से, 6 में 7 में 21, इन तीनों में 42 हमें मिल रहा है, मतलब 42 कॉमन है, और वो भी सबसे पहले मिला ना, लिस्ट सबसे पहले मिला। सो 42 आपका हो जाएगा आंसर LCM, ठीक है, इन तीनों नंबर्स का। अगर इन केस अगर आपको कॉमन सिर्फ दो में मिलता है, 6 7 में मिलता है, या फिर 7 21 में मिलता है, तो वो कॉमन नहीं हुआ। जितने भी नंबर्स हैं ना आपके यहाँ पे, 3 नंबर्स हैं, तो तीनों में अगर वो हो तो उसको कहेंगे कॉमन, अगर दो में मिल रहा है तो उसको कॉमन नहीं कहेंगे। अगर आपके पास 4 नंबर्स हो तो आप चारों के मल्टीपल्स आप लिखोगे, और अगर चारों में वो नंबर प्रेजेंट है ना तो उसको हम कहेंगे कॉमन, अगर 3 में प्रेजेंट है तो वो कॉमन नहीं कहलाएगा, 2 में प्रेजेंट है कॉमन नहीं कहलाएगा, फर्स्ट और लास्ट में प्रेजेंट है कॉमन नहीं कहलाएगा, सेकेंड लास्ट कॉमन नहीं कहलाएगा, ठीक है, चारों में होना चाहिए। यहाँ पे 3 नंबर से तो तीनों में होना चाहिए, तो वो कॉमन कहलाएगा, और उन कॉमन में से हमें लिस्ट लेना है, ठीक है, मतलब सबसे छोटा, सबसे पहला वाला हमें 42 ही मिला, तो वही होगा LCM, ठीक है। तो हमारे पास दो मेथड है, पहला लैडर मेथड, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उस मेथड से करो, दोनों सही तरीके हैं, दोनों आसान तरीके हैं, जिस तरीका आपको अच्छा लगे, जिस तरीका आपको अच्छे से समझ में आओ आप वो करो। सो गाइज ये थी हमारी LCM के बारे में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लो, और बेल बटन को भी दबा दो, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सको। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।